इस मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को नोटिस करते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा और सहमा हुआ था। उस शख्स के पीछे हम एक और शख्स को भी नोटिस करते हैं जिसने क्लाउन के जैसे गेट अप किया होता है, लेकिन वो आम क्लाउन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, बल्कि वो तो काफी अजीब दिख रहा होता है और उसकी हरकतें भी काफी अजीब होती हैं। उस शख्स को हर तरफ उसी की बेटी नजर आ रही होती है। असल में उस शख्स ने अपनी पहली वाइफ और अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया होता है। वो क्लाउन बार बार उसे उसकी बेटी को दिखाकर ये यकीन दिला रहा होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। बाद में वो शख्स तंग आकर अपनी बेटी को कॉल करके उससे माफी मांगता है, लेकिन उसकी बेटी उससे काफी ज्यादा खफा थी, इसीलिए वो उसका कॉल काट देती है। वो शख्स जेस्टर को बताता है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन उसकी बेटी माफ करने को रेडी ही नहीं है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये सब कुछ जेस्टर ही करवा रहा था। जेस्टर असल में एक ऐसा शख्स है जो कि लोगों के साथ अलग अलग ट्रिक्स खेलता है, लेकिन अगर कोई इसकी ट्रिक को पसंद न करे तो इसे काफी गुस्सा आता है और वो उस शख्स को मार देता है। इसी तरह करके वो उस शख्स के साथ भी ट्रिक करने लगता है। वो अपनी टाई को टाइट करता है जिससे उसके गले में फांसी का फंदा आ जाता है और जेस्टर उसकी जान ले लेता है। नेक्स्ट डे उस शख्स का फ्यूनरल होता है जहां पर उसकी पहली वाइफ से हुई बेटी एम्मा और साथ ही उस शख्स की दूसरी वाइफ और उसकी बेटी जोशली। एम्मा अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज थी, यही वजह होती है कि वो अपने डैड की डेथ से काफी ज्यादा खुश होती है। एम्मा बाद में ये सारी बातें अपनी मॉम को भी राब्ता करती है। उसी दौरान ही उसे अपने डैड की कब्र पर अजीब से क्लोथ्स में शख्स नजर आता है जो कि काफी अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है। बाद में वो वहाँ से गायब हो जाता है। सारे लोगों के जाने के बाद वहाँ पर कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले दो लोग आते हैं जो कि जेस्टर को वहाँ से जाने का कहते हैं, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है। उल्टा वो उन लोगों के ट्रिक करने लगता है जिसमें वो पहले वाले शख्स के लेस को बांधकर उसे गिरा देता है जिससे गहरी चोट आने की वजह से उस शख्स की मौत हो जाती है और बाद में वो उसके दूसरे साथी के मुंह से सेब निकालकर उसे भी मार देता है। उन दोनों लोगों को मारने के बाद जेस्टर भी वहां से निकल जाता है। इधर हम एम्मा को देखते हैं जो कि अपनी बहन यानी उस शख्स की दूसरी वाइफ से हुई बेटी के साथ बैठी होती है। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इन सब के दरमियान ही जोशलीन अपने डैड का जिक्र करती है। एम्मा उनके डैड के बारे में सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहके वहाँ से निकल जाती है। इस बात से जोशलीन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब वहाँ का वर्कर उसे बताता है कि उनके डैड बिल्कुल भी अच्छे शख्स नहीं थे, बल्कि उनके काफी सारे गहरे राज है जो कि काफी कम लोगों को पता है। इधर एम्मा के वे में जेस्टर आ जाता है और वो उसे फोर्स करने लगता है कि वो काफी सारे कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुने। इस बात से तंग आकर एम्मा एक शॉप के अंदर चली जाती है। ये देखकर जेस्टर भी वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि हैलोवीन का वक्त था, इसी वजह से लोगों ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। वहीं पर जेस्टर को दो बच्चे नजर आते हैं। छोटा बच्चा काफी अच्छा था और वो सिर्फ अपने हिस्से की ही कैंडीज ले रहा था, लेकिन दूसरा भाई काफी ज्यादा बदतमीज था क्योंकि वो अपने हिस्से के साथ साथ दूसरे के हिस्से की भी कैंडी हड़प रहा था। छोटा बच्चा जेस्टर को देखकर उससे कैंडी मांगता है, इस वजह से वो उसे कैंडी दे देता है। ये देखकर बड़ा बच्चा भी उससे कैंडी की फरमाइश करता है, लेकिन जेस्टर उसकी सारी कैंडीज छोटे बच्चे को देने लगता है। ये देखकर वो कैंडीज को उससे छीनने की कोशिश करता है। तब उस बैग में से हाथ निकलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि जेस्टर का ही होता है। ये देखकर दोनों बच्चे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम जोशलीन को देखते हैं जो कि टीवी को वॉच कर रही होती है। तभी उसे फील होता है कि शायद डोर पर कोई शख्स मौजूद है, इसी वजह से वो डरते हुए डोर को ओपन करती है, लेकिन बाहर कोई और नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स ही मौजूद थे। ये देखकर वो काफी रिलैक्स होती है। इधर एम्मा जेस्टर के जाने के बाद वापस से वे में चलने लगती है
लेकिन दोबारा से वे में उसे जेस्टर मिल जाता है और वो एम्मा के साथ वापस से सारी ट्रिक्स करने लगता है। एम्मा ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा बोरियत महसूस करने लगती है, इसी वजह से एम्मा उसे वे से अलग करने के लिए धक्का देती है, लेकिन इससे उसकी ही बॉटल जमीन पर गिरकर टूट जाती है। जेस्टर कांच का पीस उठाकर उससे खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। ये देखकर एम्मा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से भाग जाती है। कुछ पलों बाद जेस्टर वापस से उठ खड़ा होता है। एम्मा पास ही के शॉप में चली जाती है। उसे घबराया हुआ देखकर वो शख्स पुलिस को राब्ता करके उन्हें यहाँ पर बुला लेता है। पुलिस एम्मा की ऐसी कंडीशन देखकर उससे सवालात करती है कि आखिर उसके साथ ये सब कैसे पेश आया। इस वजह से वो पुलिस को जेस्टर के बारे में सब कुछ राब्ता कर देती है, लेकिन पुलिस को एम्मा की बातें किसी प्रैंक से कम नहीं लग रही थी और न ही उन्हें जेस्टर के वजूद पर यकीन हो रहा था। तब हम जेस्टर को दोबारा से नोटिस करते हैं, जो कि उस शॉप में दाखिल हुआ होता है। वहां आकर वो दोबारा से अपनी ट्रिक्स दिखाने लगता है। सबसे पहले वो एक हथकड़ी लेता है जिसमें वो दोनों पुलिस ऑफिसर को बांध देता है, जिसके बाद वो एक ऑफिसर के फेस पर अपनी हैट रख देता है। इससे उस शख्स का सिर ही गायब हो जाता है। ये देखकर दूसरा ऑफिसर घबरा जाता है और वो गन से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जेस्टर दूसरे ऑफिसर को सामने ले आता है, जिस वजह से उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। ये देखकर एम्मा घबराकर शॉप से भाग जाती है। इधर हम जॉशलीन को नोटिस करते हैं, जो कि अपने डैड की फोटोग्राफ्स देख रही होती हैं। इसके साथ ही वो अपने डैड को काफी ज्यादा मिस भी कर रही थी। कुछ अरसा बाद उसे अपने डैड दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर जॉशलीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ पलों के बाद वो अपने फ्रेंड्स से बाहर चलने का कहती है, ताकि उसे अपने डैड की याद ना आए और न ही वो उसे दोबारा नजर आए। लेकिन बाहर भी जॉशलीन को रोप्स और वही सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, जिनका कोई न कोई ताल्लुक उसके डैड की डेथ से जुड़ा हुआ था। कुछ पलों बाद उसे वापस से अपने डैड दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो अपने डैड को फॉलो करती हैं। जेस्टर जॉशलीन के फ्रेंड के पास आ जाता है और वो उसके साथ गेम खेलने लगता है। जब वो पहला ग्लास हटाता है तो उसमें काफी सारे दांत निकलते हैं, जो कि उसी शख्स के होते हैं। दूसरा ग्लास हटाने पर उसने आंख निकलती है, जो कि उसी शख्स की होती है। वो शख्स काफी तेज शाउट करता है और वो अपनी एक फ्रेंड के ऊपर गिर जाता है। बाद में सारे दोस्त उसे दूसरी साइड ले जाते हैं। बाद में जेस्टर उसकी दूसरी फ्रेंड को भी मारने वाला था, तभी वहाँ जॉशलीन आ जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके सारे दोस्तों को आजाद कर दे और उन्हें जाने दे। इधर एम्मा डरकर जेस्टर से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, इसी वजह से वो फोन पिक करती है। कुछ पलों बाद हमें पता लगता है कि असल में जेस्टर ही एम्मा की मॉम की आवाज में उससे बातें कर रहा होता है। बातों ही बातों में जेस्टर उससे कहता है कि वो उसकी बहन को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। ये सुनकर उसे अपनी बहन जॉशलीन की काफी फिक्र होने लगती है। बाद में उसे वापस से उसके डैड नजर आते हैं। एम्मा भागकर उनके पास जाती है और वो उनसे माफी मांगती है कि उसने जैसा सलूक उनके साथ किया वो गलत था। बाद में डैड रोप को उसके गले में डाल देते हैं, इससे वो पुल से नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उसे जॉशलीन का चाइल्डहुड दिखाया जाता है कि डैड अपनी दूसरी बेटी को कितना ज्यादा प्यार करते थे। बाद में नाइफ लेकर उसके डैड उसके करीब आते हैं और वो खुद को ही नुकसान पहुँचाने लगते हैं। ये देखकर एम्मा को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसके डैड उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहते हैं। बाद में एल्डर जॉशलीन भी एम्मा को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन एम्मा को इन सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ जेस्टर का बनाया हुआ छलावा ही है। इसी वजह से वो नाइफ को जॉशलीन पर मार देती है, जिस वजह से नाइफ रियल जॉशलीन के आर पार हो जाता है। इससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। एम्मा उसे माफी मांगती है कि उसने जानबूझकर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया है। तब जॉशलीन उससे कहती है कि ये सब कुछ उससे जेस्टर ने ही करवाया है।
क्योंकि उसकी बहन उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये बातें सुनकर एमा को जॉशलीन से और भी ज्यादा लगाव हो जाता है और वो गुस्से में जेस्टर पर काफी ज्यादा अटैक्स करती हैं। लेकिन जेस्टर को इससे कुछ भी नहीं होता है। बाद में एमा जेस्टर को वहाँ से जाने को कहती हैं। इसी वजह से वो वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे एमा अपने डैड की कब्र के पास जाती हैं और वो उनसे माफी मांगती है। वहाँ पर जेस्टर भी मौजूद होता है जो कि उसकी सारी बातें सुन रहा था। लेकिन एमा उसकी चाल समझ गई थी, इसीलिए वो उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली थी। वहाँ से निकलकर एमा उस बार में जाती हैं, जहाँ पर जॉशलीन होती हैं। वो दोनों बहनें आपस में एक हो गई। उनके मन में एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं होती है। जेस्टर यहाँ पर फेल हो गया होता है क्योंकि वो लोगों की वीकनेस का फायदा उठाकर ही उन्हें मार दिया करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।